ऊना के रायपुर गांव में सरकारी भूमि से अवैध पेड़ कटान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और लकड़ी से भरी पिकअप को भी कब्जे में लिया है। कार्रवाई के बाद मामले में एक अधिकारी, जीप चालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने आईपीसी और फॉरेस्ट एक्ट के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अवैध कटान में IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक बड़े अधिकारी का नाम भी सम्मिलित पाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बीते रविवार शाम को ऊना के वन परिक्षेत्र अधिकारी संजीव कुमार, वन रक्षक मनजीत सिंह और करणवीर सिंह पुलिस स्टाफ के साथ संयुक्त नाकेबंदी पर टाडा चौक पर मौजूद थे। इस बीच एक पिकअप आई जिसमें शीशम, किक्कर और पहाड़ी किक्कर की लकड़ी के नग और बालन लोड था। इस जीप में चालक से टीम ने गाड़ी में लोड लकड़ी के लिए परमिट मांगा तो वे पेश नहीं कर पाया। इस मौके पर पूछताछ पर चालक ने बताया कि आईओसी के बॉटलिंग प्लांट रायपुर में ये लकड़ी लोड करवाई गई है। इस पर टीम आईओसी रायपुर गई तो भीतर पेड़ शीशम सूखा, पेड़ कीकर और पेड़ पहाड़ी कीकर के कटे हुए मोछे पाए गए। इनमें से एक पेड़ हरा कीकर कटा हुआ भी पाया गया। टीम के समक्ष उक्त अधिकारी भी पेड़ को कटाने को लेकर कोई अनुमति पेश नहीं कर पाए। एसपी ऊना अरिजीत सेन ने बताया कि 12 पेड़ के कटने को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अवैध कटान के जरिए सर, एक अवैध कटान का मामला सर सामने आया है, जिसमें एक गिरफ्तारी भी हुई है। सर क्या है सर पूरा मामला क्या है? FIR नंबर 465 जो है रजिस्टर हुई है संतोषगढ़ पुलिस चौकी के माध्यम से थाना सदर में। 12 तारीख की शाम पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक नाका लगाया गया था, जहाँ पे एक पिकअप उन्होंने रोकी। उसमें लकड़ियाँ जो है, पेड़ की लकड़ियाँ जो है उसमें लोडेड थी, पर पूछने पे उसके पास ना कागज़ थे ना परमिशन उसके पास अवेलेबल थी। उसके बाद जब फर्दर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की गई फॉरेस्ट और पुलिस डिपार्टमेंट की टीम द्वारा, तो ये पेड़ों का कटान जो है IOCL रायपुर सोडा के एक टर्मिनल है, वहाँ पे ये कटान की वेरिफिकेशन हुई है। उसके बाद हमने FIR रजिस्टर की है फॉरेस्ट एक्ट और 379-120B IPC के अंतर्गत, और उसके बाद पुलिस ने 12 पेड़ जो है वहाँ पे कटे हुए पाए गए। इसमें 5 गिरफ्तारियाँ जो अभी तक हो गई हैं और अभी तफ्तीश इसी कंटिन्यूड है। ये FIR हमने RO ऊना सर्कल के शिकायत पत्र पे रजिस्टर की।